हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे अपर ट्रायंगुलर को प्रिंट करना है। अब हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को एक एरे में देके यानी लिस्ट में ऐड करके प्रिंट करना सीखेंगे हम। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्या है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें प्रिंट करना है एक एरे में 2 3 6 को यूज करेंगे। चूंकि पाइथन फंक्शन है, पाइथन लैंग्वेज में हम नमपाई जो लाइब्रेरी है उसको यूज करके इसको प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट कर लिए। फिर हम क्या करते हैं, एक एरे बनाएंगे। तो ए इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट दे देते हैं फॉर आई इन रेंज 3 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर बी एक और ब्लैंक लिस्ट देते हैं, बी इक्वल टू करते हैं फॉर बी इन सॉरी जे इन रेंज 3, जे इक्वल टू कर देते हैं इंट इंटीजर टाइप। इनपुट करेंगे तो मैसेज देते हैं इंटर नंबर इन पॉकेट, पॉकेट बना देते हैं प्लस एसटीआर आई, फिर पॉकेट को क्लोज कर देते हैं और कलम के लिए हम दे देते हैं एसटीआर जे, रो एंड कलम नंबर दे दिए किस पॉकेट में जा रहा है वैल्यू मेरा। अब क्या करेंगे हम बी डॉट अपेंड कर देते हैं अपेंड जे और ए डॉट अपेंड, सिंपल हो गया। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट मैट्रिक्स इज और आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज है 3, ये मेरा क्या हो गया रो के लिए। फिर हम देंगे और जे इन रेंज 3, ये मेरा फर्स्ट मेरा आई वाला क्या हो गया रो के लिए और सेकंड क्या हो गया कलम के लिए। प्रिंट करना है हमें क्या, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को एक एरे में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट ए आई जे कॉमा एंड विथ कर देते हैं हम स्पेस, मैट्रिक्स प्रिंट हो गया और एक एक ना एक एक रो मेरा एक एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो उसके लिए हम सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज कर देते हैं। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स है उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो सी इक्वल टू कर देते हैं एन पी डॉट एरे, ए को हम क्या किए हैं नंपाई में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब एक लिस्ट में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को। तो डी इक्वल टू कर देते हैं एन पी डॉट एन पी, डी इक्वल टू क्या करेंगे हम किसका अपर ट्रायंगुलर निकालना है, तो सी का, तो सी हम दे देते हैं, लिस्ट हो गया। क्या करना है एन पी डॉट टी आर आई यू डॉट अंडर स्कॉट आई एन डी आई सी ई एस ब्रैकेट में हम कर देते हैं 3 और प्रिंट कर देते हैं हम डी को। अब इसको रन करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख सकते हैं मेरा 3 दे दिए हैं। तो मेरा प्रिंट हो रहा है 1 2 3 5 6 9, यानी मेरा जो डायगोनल है उसके साथ ही प्रिंट हो रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है लिस्ट में 2 3 6 को। तो 2 2 3 6 को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पैरामीटर में 3 के साथ एक और पास कर देते हैं हम 1, बाई डिफॉल्ट 0 है, हम 1 दे दिए। तो क्या होगा मेरा सिर्फ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को क्या होगा एक लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देख सकते हैं मेरा जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है 2 3 6 उसको प्रिंट कर दिया। इस तरह हम आसानी से किसी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं नंपाई लाइब्रेरी को यूज करके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।